आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट फोर्थ का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट थर्ड का दो टॉपिक हो गया, फर्स्ट और सेकंड। ये हमारा टेक्सटाइल का था, इसका फर्स्ट और सेकंड हुआ है थर्ड यूनिट से, और साथ में हम फोर्थ यूनिट को भी पढ़ते रहेंगे। इसका आज फर्स्ट टॉपिक है बॉडी मेजरमेंट्स, ठीक है। थर्ड भी इसके भी वीडियोस अपलोड होंगे और साथ में फोर्थ यूनिट के भी, दोनों साथ में ही होते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉडी मेजरमेंट्स को जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि परिधान डिज़ाइनिंग होता क्या है, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार के लिए नए ट्रेंड बनाने में हमारी मदद करती है, लेकिन मूल रूप से फैशन डिज़ाइनर सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, वे वास्तव में ना जाने कैसे उस डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। मतलब वो डिज़ाइन करते हैं, वो स्केच तैयार करते हैं कि हमारा परिधान कैसे होगा, ठीक है, उसके रूप रेखा कैसी होगी, वो सारा रंग सब कुछ चुनाव करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं स्केच के द्वारा, ठीक है, कि परिधान का डिज़ाइन कैसे होगा। लेकिन हम बात करें परिधान डिज़ाइनिंग की, तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाती है कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है, और साथ ही कैसे एक डिज़ाइन का निर्माण करना है, या आप कह सकते हैं कि आपको अपने डिज़ाइन के निर्माण की सभी तकनीकों को सिखाता है। मतलब हम किस ये सिर्फ डिज़ाइन करना ही नहीं सिखाता, वस्त्रों को डिज़ाइन करना ही नहीं सिखाता, या वो सभी जो तकनीक होते हैं जिसमें यूज़ किया जाता है, हम किसी भी वस्त्र को बनाते हैं उसमें किस तकनीक का यूज़ किया जा रहा है सभी को सिखाता है। इसमें जो कपड़े होते हैं, जो पहनने के कपड़े होते हैं से लेकर घर में जितने भी पिलो कवर होते हैं, बेड शीट्स, और जितने भी काम के आते हैं परिधान डिज़ाइनिंग के अंतर्गत ही आते हैं सभी, और सभी चीज़ों का इसमें डिज़ाइनिंग की जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी मेजरमेंट्स की। तो हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं किसी भी परिधान को बनाने के पहले हम क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी को परिधान को ऐसे वस्त्रों को बना रहे हैं, तो किसी के लिए बना रहे, तो उसका पूरा हमें पता होना चाहिए कि उसकी लंबाई कितनी है, उसका वेट कितना है, उसको उसकी उसकी बॉडी कैसी है। अगर उसकी बॉडी मतलब कम है, मतलब वो दुबला पतला है, तो उसके अनुकूल हमें बॉडी के अनुकूल ही हम कपड़ों को डिज़ाइन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, ठीक है, और वो तो क्या होगा, उसको इस ये वस्त्र नहीं आएगा, उसके लिए अलग परिधान बनाने होंगे, उसके लिए अलग वस्त्रों का चुनाव करना पड़ेगा, और क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मोटे व्यक्ति जो होते हैं वो दुबले पतले जिनका वज़न कम है, हाइट कम है, तो वो कपड़ा नहीं पहन सकता है। तो जैसे किसी का हाइट ज़्यादा है और किसी का कम होता है, तो अपने हाइट के अनुकूल भी हम कपड़ों का चुनाव करते हैं, अपने अपने साइज़ के अनुकूल। हम मोटे हैं, ठीक है, तो हम अपने साइज़ के अनुकूल करते हैं कि कितना हमारा कमर है, तो उसके उसके अनुसार हम अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं। जिसका कमर कम होता है तो वो अपने अनुसार ही चूज़ करता है, इसलिए हम बॉडी मेजरमेंट्स करते हैं। तो हम इसमें क्या क्या करते हैं, तो देखिए, जब हम बॉडी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम अपने शोल्डर जो होता है उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, कि हमें कितना रखना है, वो कितना है। सबका अलग अलग होता है, मेजरमेंट्स में सब आते हैं। हमारे चेस्ट जो होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है, कि उसको एक मेजरमेंट जो टेप होता है उससे हम करते हैं, जिससे कि हमें पूरा पता चल जाए कि कितना है। उसके अनुसार हम किसी भी परिधान का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं उसी के अनुकूल। हम अपने कमर का मेजरमेंट करते हैं, किसी का कमर क्या होता है अधिक होता है, किसी का 26 हो गया, या फिर किसी का 35, 36 या इससे ज़्यादा भी होता है, तो उसके अनुकूल, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, तो कोई एक जिसका अधिक है वो कम नहीं पहन सकता है, जिसका कम है वो
ज़्यादा पहनेगा, ठीक है, उसका परिधान का निर्माण हम ज़्यादा कर देंगे उसी के अनुकूल, तो क्या होगा, उसमें लूज़ होगा। तो हम किसी भी, या हम किसी कंपनी में बना रहे हैं या फिर किसी किसी भी लोकल एरिया में बना रहे हैं, जैसे सिलाई घर पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम नाप लेंगे बॉडी का कि हमको किसके अनुसार हमें वस्त्र तैयार करना, उसका पूरा नाप लेते हैं हम। आर्म का लेते हैं कि हमारा स्लीव्स कितनी होगी, ठीक है, और ये पूरा, ये हमारा आर्म का पूरा स्लीव्स का पूरा हम लेते हैं कि कितना हमारा बाजू मोटा है, ठीक है, उसका पूरा लेते हैं मेज़रमेंट कि उसके अनुसार हमको कपड़े बनाने में आसानी होता है कि कहीं वो टाइट ना हो जाए या फिर लूज़ ना हो जाए। और हमारे स्लीव्स की लेंथ कितनी होगी, जो हमारा ये शोल्डर होता है कंधे से लेकर, हमें कितना स्लीव रखना है, हाफ रखना है या फुल रखना है या कितना रखना है, उसका लेंथ हम लेते हैं, क्योंकि हमें उसके अनुसार जिसके लिए हम परिधान बना रहे हैं, जिसके लिए हम वस्त्र बना रहे हैं, उसके अनुसार रखते हैं कि हमें कितना उसकी ये रखनी है लेंथ, ठीक है। ये सारे बॉडी मेजरमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, यह आप अच्छे से और समझ सकते हैं। हमारा ऊपर आर्म, ठीक है, इंचेस में कितना होना चाहिए, और जितने भी हमारे बस्ट हैं, चेस्ट, वेस्ट, सभी का हमारा माप लिया जाता है। ये सारे हमारे माप, किस किस बॉडी पार्ट्स के माप लिए जाते हैं आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, और हमारा वेट, हाइट, ये सभी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है। तो मानव शास्त्रीय इसकी परिभाषा है, एंथ्रोपोमेट्रिक माप शरीर की संरचना का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली होती है। इसमें मांसपेशियों, हड्डी और वसा उत्तक की मात्रात्मक माप की जाती है, ठीक है। इसमें इसके मुख्य तत्व होते हैं ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर की परिधि जिसमें कमर, कुल्ले और अंग की परिधि का माप लिया जाता है, और त्वचा की मोटाई का माप लिया जाता है। ये माप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मोटापे के लिए नैदानिक मापदंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मेलिटस और कई जैसी स्थितियों के लिए जोखिम को बढ़ाता है। ये तो हमारा न्यूट्रिशन के लिए भी होता है और हमारा बॉडी मैनेजमेंट मेजरमेंट्स के लिए भी होता है, बॉडी माप के लिए भी होता है। और इसमें अब बात करें हम एंथ्रोपोमेट्रिक टूल्स की, इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें ऊंचाई, शरीर खंडों की लंबाई और परिधि, उसकी पूरी हाइट, ठीक है, और उसकी पूरी परिधि, हड्डी का व्यास कितना है, और त्वचा की मोटाई और चमड़े के नीचे की वसा, ठीक है, और वजन, हमारा वेट कितना है, ये सभी इसके अंतर्गत, ये सारे टूल्स हैं एंथ्रोपोमेट्रिक के, ठीक है, इसके द्वारा ही हम पूरा मेजरमेंट्स करते हैं। अब बात करें एंथ्रोपोमेट्रिक के वर्तमान अनुप्रयोग, इसका क्या क्या यूज़ होते हैं हमारे वर्तमान में। तो ये औद्योगिक डिज़ाइन और वास्तुकला, जैसे वाहन बैठने और कॉर्पोरेट, ठीक है, कपड़े जिसमें हम फैशन डिज़ाइनिंग ले सकते हैं, जो हमारा जो हम पढ़ रहे परिधान डिज़ाइनिंग, और ऑर्गोनॉमिक्स में भी करते हैं, जिसमें हम जैसे उठना बैठना और काम करने के पोजीशन के बारे में जानने के लिए करते हैं, और चिकित्सा में भी करते हैं, जैसे कि पोषण, उम्र बढ़ना, मोटापा, खेल विज्ञान और मधुमेह में करते हैं। इसी के द्वारा हम पता लगा कर सकते हैं उसमें पोषण कितनी है, कम है, ज़्यादा है, और मोटापा के बारे में हम इसके द्वारा पता कर सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि हम एंथ्रोपोमेट्रिक के द्वारा, इसके द्वारा हम बहुत सारे चीज़ों के द्वारा, बहुत सारे जो हमारे वर्तमान में हैं उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं
कि हम पोषण में भी पता लगा सकते हैं, चिकित्सा में भी, कि उसमें पोषण कितना है, कोई पोषित तो नहीं है, या फिर हम फैशन डिज़ाइनिंग में भी देख सकते हैं, उसमें भी यूज़ होता है मेजरमेंट्स के द्वारा, औद्योगिक डिज़ाइनिंग में भी होता है, इसमें सभी में यूज़ किया जाता है एंथ्रोपोमेट्री का। अब बात करें एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स की, तो इसमें दो हैं, एक बेसिक मेजरमेंट्स और सम मेजरमेंट्स यूज फॉर न्यूट्रिशनल। तो पहला जो होता है वो बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं और दूसरा जो न्यूट्रिशन के लिए होता है। तो जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है उसमें हमारा बेसिक वाला आएगा, जिसमें हाइट, ठीक है, हाइट, वेट और जो हमारा परिधि है, ठीक है, पूरा बॉडी की परिधि वो आएगा, स्किन फोल्ड थिकनेस कितनी है, फैट है कि नहीं, ये सारा हमारा BMI सब कुछ इसमें आएगा, हमें ये पढ़ना है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, जिसमें हम न्यूट्रिशन में आएगा पोषक तत्वों की जानकारी के लिए कितना है कि नहीं, उसमें यूज़ होता है ये सारा, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट मेजरमेंट की, जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी जिसका हम परिधान बना रहे हैं या जिसके लिए बना रहे हैं उसका हम हाइट मेज़र करते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, 5.2 है या 4.3 है, उसकी हाइट के अनुकूल ही हम क्या करेंगे, वस्तु का निर्माण करेंगे। अगर हम मेज़रमेंट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, कपड़ा छोटा हो सकता है या फिर कपड़ा बड़ा हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेज़र करना कि उसका हाइट कितना है, इसका हमें पता होना चाहिए। अब बात करें वेट मेजरमेंट की, तो इसमें क्या होता है, हमें उसका एक वेट करना चाहिए, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, वो कम से कम कपड़े पहने हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उसका वेट बढ़ता हो, ठीक है, वो नॉर्मल वे में हो और उसमें ज़्यादा कपड़े ऐसे ना पहने हो, हल्के फुल्के कपड़ों के साथ हम वेट काउंट करते हैं, उसको देखते हैं, मेज़र करते हैं वेट से, ठीक है, कि उसका कितना वेट है। अगर वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका वो BMI निकाला जाता है कि हाँ उसका वो मोटा है या कम है, तो उसके अनुकूल हम कपड़ों का निर्माण करते हैं। MAC, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये परिधि का माप करता है। इसमें देख सकते हैं आप पिक्चर में कि ये हमारे जो बाजू है, ठीक है, उसकी परिधि का माप लेता है। आप किसी परिधान का, हम स्लीव्स बनाते हैं, ठीक है, स्लीव्स बनाते हैं, तो क्या होता है कि ये कितना है, अगर हम इसको माप लेंगे, पहले से मेजरमेंट कर लेंगे, तो क्या होगा, जब बनाएंगे तो ये हमारा लूज़ या फिर टाइट नहीं होगा, जिसके लिए बना रहे हैं उसी के अनुकूल होगा, उसको फिट होगा, लूज़ होगा तो वो देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा, और टाइट अगर होता है तो क्या होगा, वो पहन नहीं पाएगा। तो ये हमें मेज़रमेंट करना चाहिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।